खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ, यूजीसी की तरफ से एक बार फिर से आप सबके लिए एक बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज़ है दोस्तों। आपको बता दूँ, यूजीसी ने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं और एक बार फिर यूजीसी ने आपके लिए कुछ अच्छा डिसीजन लिया है। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये आपके फरवरी एग्जामिनेशन से लेकर आपके जून टर्म इन एग्जामिनेशन तक के लिए बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस लेके आया है। और जी हाँ, आपके लिए ये सारे बदलाव बहुत ही अच्छे हैं। तो प्लीज़ कंप्लीट रूप से वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और बहुत अच्छी खबर है। यूजीसी लास्ट कुछ दिनों से, आपको बता दूँ कि बहुत सारे चेंजेस कर रहा है सारे एग्जामिनेशन को लेकर, हर एक बोर्ड के एग्जामिनेशन को लेकर। और आज आपको बता दूँ कि यूजीसी ने फिर से आपके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। जी हाँ दोस्तों, इग्नू से रिलेटेड हैं आप तो इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, और नहीं भी है फिर भी आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है वो सारे देश भर में 2021 के लिए जितने भी स्टूडेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत बिग अपडेट है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पे यूजीसी मंत्रालय की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है अबाउट फरवरी एग्जामिनेशन, हैशटैग कैंसल एग्जामिनेशन और यूजीसी नोटिस। बहुत सारी चीज़ें हैं, कंप्लीट रूप से वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दूँ कि यूजीसी ने पोस्टपोन हैशटैग फरवरी एग्जामिनेशन पोस्टपोन। क्या फरवरी की एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो चुकी है? क्या फरवरी में परीक्षाएं नहीं होगी? और इसी के साथ फरवरी की परीक्षा कब होगी? और अब आपके लिए बता दूं कि फरवरी एग्जामिनेशन पोस्टपोन करने का एक बहुत बड़ा यहाँ पे यूजीसी और आपके लिए बहुत बड़ा मौका बन रहा है यहाँ पे पोस्टपोन होने का। तो किस कंडीशन में यहाँ पे पोस्टपोन हो गई है या हो सकती है उसके बारे में आपको पूरा बताएंगे। और यहाँ पे आपको बताएंगे कि क्या आज का सवाल है, आपको प्रमोशन चाहिए या फिर एग्जामिनेशन चाहिए। पूरी वीडियो ज़रूर रूप से देखिएगा, सपोर्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। आपको बता दूँ कि यहाँ पहले से ही अनाउंसमेंट हो चुकी है, एक बार फिर अब यहाँ पे अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण विश्वविद्यालय कोविड-19 के मद्देनजर परीक्षा बदल सकता है। ये आपको इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले ही खबर आ चुकी है, आप जाके देख सकते हैं अगर आप सही रूप से सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो। ये पहले ही कहा जा चुका है नोटिस के रूप में कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे कोविड-19 की वजह से मद्देनजर रखते हुए आपका परीक्षा बदला जा सकता है। और आपको बता दूँ कि वैक्सीन आने में 2021 का पूरा 7 महीना लगेगा, अभी कोई खबर नहीं है। और इस वजह से कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए यहाँ आपका बदलाव किया जा सकता है। ये टर्म एंड कंडीशन जब भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं या फिर नोटिस के थ्रू, आप देखिए इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, ये कहा जा चुका है। यूजीसी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि यूजीसी ही है जो सारी यहाँ पे चेंजेस कर सकती है और यूजीसी के अकॉर्डिंग सारी यूनिवर्सिटीज काम करती है। वहीं आपको बता दें कि यूजी पीजी जेई में नीट आदि परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत बड़ी खबर है कि चिंतित थे सब, सारे स्टूडेंट चिंतित हैं कि कैसे हमारा एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, क्योंकि वे भी पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपके लिए बता दूं, 2021 के सिलेबस में कटौती करने की घोषणा कर दी गई है। जी हाँ, अब आपके यहाँ सिलेबस में कटौती करने की घोषणा कर दी गई है। अब आपका सिलेबस आपके सिलेबस में 30% कंप्लीट रूप से आपका यहाँ कटौती हो जाएगा, यानी आपको सिर्फ 70% का ही एग्जामिनेशन देना होगा। इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि सबके लिए ये है, ये सिर्फ एक स्टूडेंट्स के लिए नहीं है या फिर सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं। आपको बता दूं, यूजी पीजी जेई मेंस नीट सारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स काफ़ी समय से चिंतित है। और आपको बता दूँ कि यहाँ पर घोषणा की गई है कि आपका सिलेबस कटौती हो रहा है, तो परीक्षा बहुत ही आसान होगी। और दोस्तों, आपको बता दूं, यहां पे यूजीसी की तरफ से अपडेट आई है। शिक्षा मंत्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में ट्वीट करके जानकारी साझा की है कि शिक्षा मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि छात्रों हम जानते हैं कि आपके पास आगामी परीक्षा से संबंधित कई प्रश्न हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए हम आपकी अधिकांश चिंताओं को कवर करते हैं। आपके वेबिनार की तारीख को 10 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तब तक हैशटैग एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव का उपयोग करके अपनी चिंताओं को साझा कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके यूजीसी के रमेश पोखरियाल सर के
एसटेक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप उनसे 10 तारीख को, 10 तारीख को एक बहुत बड़ा फैसला है, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर कर सकते हैं कि क्यों नहीं आप एग्जामिनेशंस देना चाहते या फिर आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि आपको बता दूँ कि सिलेबस में जो कटौती की गई थी उसके लिए पूरे देश भर से यहाँ पे रिपोर्ट आया था हैशटैग कैंसिल एग्जामिनेशन। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स से लेकर पेरेंट्स तक भी चिंतित थे, तो इस वजह से ये फैसला लिया गया कि आपका जो प्रैक्टिकल और सारे असाइनमेंट, आपके जो सिलेबस है उसमें 30% तक की पूरी कटौती की गई है और किसी किसी में तो 50% तक की भी कटौती की गई है। तो अकॉर्डिंग वाइज एग्ज़ाम अकॉर्डिंग जैसे एग्जामिनेशंस है उस हिसाब से कटौती की गई है। तो ये एक पॉजिटिव वे है आपके लिए दोस्तों की, एक पॉजिटिव खबर है कि आपका जो है प्रमोशन यहाँ पे होगा, हो सकता है। इसके लिए सिर्फ आपको साथ में यहाँ पे शेयर करनी होगी प्रॉब्लम। तो 10 तारीख को यहाँ पे बताया गया है आपके वेबिनार होगा और वहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर लाइव आएंगे, आप वहाँ से अपने सवाल ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ ट्विटर पे जाइए और ज़रूर से ज़रूर आप वहाँ पे 10 तारीख को ज़रूर सवाल कीजिएगा। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण अब देश भर में स्कूल कॉलेजेस पूरी तरह से नहीं खोले गए, ऐसे में आगामी परीक्षाओं को लेकर छात्र और शिक्षक सब बहुत ज़्यादा चिंतित थे। इस वजह से ये कहा गया है कि आपका यहाँ पे कंप्लीट रूप से आपका यहाँ सिलेबस में कटौती और आपके प्रमोशंस के भी। अभी दोस्तों मैं एक बात बताऊँ आपको कि आपका फरवरी एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने की बात है जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे आपके फरवरी एग्जामिनेशन होने की गारंटी नहीं है, यहाँ आपका परीक्षा बदलेगा और बदलेगा ही। जो छात्र टर्म इन परीक्षा जून 2020 सितंबर में आयोजित होने उपस्थित हो सके हैं और छात्र जो टर्म इन परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं दिसंबर 2020 और 21 में आयोजित होने वाली उनकी वैधता दिसंबर 2020 में पंजीकरण समाप्त हो रहा है, इस उद्देश्य के लिए पंजीकरण की वैधता जून 2021 तक ऑन टाइम मार्क के रूप में बढ़ाया गया है। आप देख लीजिए जून तक आपका अगर बढ़ाया गया है तो यहाँ पे आपका इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन फरवरी से पोस्टपोन होके आपके एग्जामिनेशन जून तक कर दिए जाएंगे। तो क्यों बैठे हो, क्यों और एक साल बर्बाद करना है आपको पूरा कंप्लीट रूप से। हाँ मानती हूँ कि वो आपको लगेगा कि क्या हम करें क्या नहीं करें, आप कम से कम सवाल तो कर सकते हो, पूछ सकते हो, बता सकते हो कि आपका हमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों इग्नू पूरी तरह से अनदेखी कर रहा है। जब इग्नू कह देता है कि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक यहाँ पे यूजीसी डिसाइड नहीं करेगा, तो क्यों नहीं हम यूजीसी से ही पूरी तरह से यहाँ बातचीत करें, क्यों नहीं हम सर से ही कहें कि सर प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। हम 30 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट एक बार में एग्जामिनेशन देंगे, इतनी बड़ी जनसंख्या में जब हम जाके एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुँचेंगे तो कितना ज़्यादा कोरोना वायरस का यहाँ पर डिफ़िकल्टीज होगी। साल भर तो आपने, साल भर से ज़्यादा तो वेस्ट हो ही चुका है और कितना हमारा समय बर्बाद कीजिएगा। क्यों हमें ग्रेड कार्ड नहीं दे रहे, क्यों नहीं हम अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठ सकते हैं, हमें सब चीज चाहिए। प्रॉब्लम तो कहिए दोस्तों, प्रॉब्लम नहीं कहोगे तो फिर कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको बता दें एनएस बोर्ड एक वो भी ओपन बोर्ड है लेकिन उसके सारे कैंडिडेट को प्रमोशंस मिला था और इस बार दोबारा प्रमोशंस की बात है। आपको बता दूं बीएचयू जैसे स्टूडेंट बीएचयू के जो हैं वहाँ के सारे स्टूडेंट्स उनको प्रमोशंस मिला, तो वाई नॉट इग्नू क्यों नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें कर सकता है लेकिन इग्नू के इसमें फ़ायदा है। तो आप ज़रूर से ज़रूर अपना नुकसान क्यों करा रहे हैं दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर इस बात को कहिए कि आपको भी प्रमोशन चाहिए। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। हाँ सिर्फ सिलेबस कम कर देने से क्या होगा, सिलेबस कम करने से थोड़ी सी चिंता कम होगी लेकिन एग्जामिनेशंस तो नहीं होंगे ना, फिर एग्जामिनेशंस नहीं होंगे टाइम पे, रिजल्ट हमारा फिर दिसंबर लग जाएगा नेक्स्ट ईयर। ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा देरी सही नहीं है। तो ये हमें चाहिए कि हमें एग्जामिनेशंस नहीं, अब फाइनली प्रमोशन चाहिए, सबको हो रहा है हमें भी कर दो। तो आज का सवाल बस इतना है कि आप किस चीज़ को सपोर्ट करते हो, तो इस वजह से दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। लेकिन आपको बता दूं आपके लिए अच्छी खबर है, जब तक आप यहाँ पे ट्राई नहीं करोगे और 10 तारीख को वेबिनार में बहुत सारे सवाल होंगे, आप भी ज़रूर सवाल कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, चैनल के साथ हमेशा बने रहें।